छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के बेटे पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने शिकायत में कहा है कि विधायक के बेटे ने शादी का झांसा देकर काफी समय तक उसके साथ रेप किया। आरोपी ने प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन भी करा दिया। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ बुधवार को रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन महिला थाने की SHO कविता धुर्वे ने कहा है कि इस मामले को यहां जीरो पर कायमी की गई है। इस केस को आगे की कार्रवाई के लिए जांजगीर चांपा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर धुर्वे ने कहा कि पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर पिछले कुछ सालों से जांजगीर चांपा में उसके साथ रेप कर रहा था। इस दौरान वो गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ धारा 367(2)(n) और 313 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर जब भाजपा विधायक को कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा को नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा देना चाहिए और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए।